नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आप पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां बड़े ही धूमधाम के साथ की जा रही हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव आज मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हल्द्वानी शहर में भी विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान शहर की लगभग प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसको लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। इस दौरान एसपी क्राइम जगदीश चंद ने हल्द्वानी में लागू रहने वाले रूट डायवर्जन प्लान की पूरी जानकारी दी है। जानकारी के लिए बता दें कि शोभा यात्रा के दौरान सभी रूटों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। साथ ही शोभा यात्रा के यात्रा मार्ग में पड़ने वाले ट्रैफिक को आवश्यकता अनुसार रोका भी जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले वाहनों को नारीमन तिराहे से डायवर्ट होकर गौला बाईपास होते हुए उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जब शोभा यात्रा शीश महल काठगोदाम से प्रस्थान करेगी तो सभी छोटे वाहन का रास्ता डायवर्ट करके कॉलटैक से पुराना फायर स्टेशन पंचक्की से मुखानी लाल डांट होते हुए उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा के हाइडल गेट के तिराहे के पास पहुंचने पर छोटे वाहन हाइडल गेट से डायवर्ट होकर पंचक्की से मुखानी लाल डांट होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। शोभा यात्रा के डिग्री कॉलेज तिराहा पास करने पर वाहनों को महारानी होटल से डायवर्ट होकर कुलियालपुरा चौराहे से नवाबी रोड से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। जब शोभा यात्रा सिंधी चौराहे से आईटीआई तिराहे की ओर जाएगी तो तभी गाड़ियों को सिंधी चौराहे से बरेली रोड को भेजा जाएगा और रामपुर रोड से आने वाले वाहनों को आईटीआई तिराहे से डायवर्ट होकर कैंसर अस्पताल तिराहा धानमिल तिराहे की ओर भेजा जाएगा। वहीं रामपुर रोड से आने वाले सभी बड़े वाहन टीपी नगर तिराहे से डायवर्ट होकर होंडा शोरूम से तीन पानी बाईपास होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे और साथ ही बरेली रोड से आने वाले बड़े वाहनों को तीन पानी बाईपास से डायवर्ट करवा के गौला बाईपास होते हुए उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।